रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हिमाचल और पंजाब की सीमा को जोड़ने वाले धबोटा पुल के ना बनने से जहां प्रदेश के उद्योग संगठन लघु उद्योग संघ ने दो दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था, वहीं आज उसके पदाधिकारी वास्तविक स्थिति जानने के लिए आनंदपुर साहिब जिला रोपड़ पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राणा और उपाध्यक्ष रमेश शर्मा के नेतृत्व में उद्योग और सामाजिक संस्थाओं का एक दल पंजाब के आनंदपुर साहिब में एसडीएम कार्यालय पहुंचा, जिसके तहत जुलाई 2023 में क्षतिग्रस्त हुआ दबोटा पुल आता है। अशोक राणा ने एसडीएम राजपाल सिंह सेखो को बताया कि यह पुल 10 माह पहले गिर गया था, लेकिन आज तक पंजाब सरकार ने इसकी सुध नहीं ली। यह पुल हिमाचल और पंजाब का एक मुख्य पुल है, जो कि दोनों सूबों को सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक और धार्मिक दृष्टि से जोड़ता है। जिस समय पुल का कुछ हिस्सा धसा, तब हमें बताया गया कि यह पुल पंजाब सरकार के अधीन है और पूर्व में पंजाब ने ही इसको बनाया था। पंजाब के बहुत से लोग नालागढ़ के उद्योगों में काम करने आते हैं, वहीं व्यापार के लिए बीबीएन एक प्रमुख स्थल है। हिमाचल के लोग भी इसी पुल से होकर ऊना, आनंदपुर साहिब और नंगल होकर धर्मशाला तक जाते हैं। इस पुल की मुरम्मत या नव निर्माण की जिम्मेदारी पूरी तरह पंजाब सरकार की है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार ने इस संदर्भ में पिछले 10 माह में कोई भी कदम नहीं उठाए, जो कि चिंताजनक है। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को 6 से 10 किलोमीटर अतिरिक्त सफर कर भरतगढ़ पहुंचना पड़ रहा है, वहीं लोग नदी को पार करके भी आ रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में लघु उद्योग संघ के महासचिव अनिल मलिक, उपाध्यक्ष रमेश शर्मा, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर राणा, जैन सभा के उपाध्यक्ष सतीश जैन और सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत शर्मा शामिल रहे। बद्दी से हमारे संवाददाता सतीश जैन की रिपोर्ट। जो आज हमारा ये डेलीगेशन आया है हमारे पास हिमाचल से, दबोटा जो वहाँ पुल है जिसकी रिपेयर चलनी थी, पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि बजट की वजह से उसका पूरा एस्टीमेट बन चुका है। ये एक इसको कहते हैं कि कोऑर्डिनेट करके इसका एक प्रोजेक्ट 50-50% हिमाचल और पंजाब का ये प्रोजेक्ट है। पंजाब की तरफ से ये प्रूव हो चुका है और इसको अप्रूवल दे चुकी है सरकार। जो बिकॉज ऑफ द इलेक्शन काम नहीं अभी चल रहा, इसका टेंडर देना है, वो इलेक्शन के बाद दिया जाएगा। परंतु हम लिख के भेज रहे हैं अभी डिप्टी कमिश्नर टी को कि इसको इलेक्शन के मद्देनजर रखकर आगे जो इसकी प्रक्रिया है वो की जाए। क्या हिमाचल का शेयर आया है इसमें? अभी तक जो मेरे पास डेलीगेशन भी आया है और जो पीडब्ल्यूडी के मुलाजम भी आए हैं, उनके बताने के सामने अभी तक नहीं आया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।